के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने कंप्लीट किया था पैसिव वॉइस, आज जो नरेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं इसके बारे में हम सबसे पहले इसके देखेंगे रूल्स के बारे में और इस रूल्स को हम कंप्लीट करेंगे। जैसे कि आप सभी ने पिछले वीडियोस देखे, पिछले वीडियोस में हम सभी ने आपको ग्रामर के कुछ टॉपिक पढ़ाए जिनको हमने क्लियर किया। आप सभी ने बहुत ही उत्सुकता के साथ में और बहुत ही रुचि लेते हुए इन टॉपिक को पढ़ा और हमें भी बहुत अच्छा लगा कि आपने कई कमेंट्स भी पूछे, कई सवालों का जवाब भी पूछा उसके माध्यम से। तो इस प्रकार से हमें आपको आगे बढ़ाने की जो रुचि है वो आगे से आगे आपकी भी बढ़ी और हमारी बढ़ी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं नरेशन, तो आओ हम आपको नरेशन के इस रूल्स के बारे में कुछ वर्णन करके बताएं। तो जो नरेशन हम पढ़ने जा रहे हैं इस नरेशन के रूल्स हैं जिसको हम स्पीच के नाम से, डायरेक्ट स्पीच के नाम से इसको जानते हैं। आइए हम नरेशन पढ़ रहे हैं। नरेशन के रूप हैं जिनको हम स्पीच के कहते हैं। स्पीच का शाब्दिक अर्थ होता है कथन। क्या कहते हैं इसको? कथन। तो कथन मुख्य रूप से दो भागों में बांटे गए। कथन को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया। पहला पार्ट है इसका डायलेक्ट स्पीच। पहला पार्ट है इसका डायलेक्ट पार्ट है इसका इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का मतलब प्रत्यक्ष कथन है, जो हम वर्तमान में आपके सामने बोल रहे हैं वो सीधा प्रत्यक्ष कथन। और एक मेरी अनुपस्थिति में मेरे पीछे से जिस प्रकार से कोई बोला जाए, मेरे बारे में कहा जाए, वो है अप्रत्यक्ष कथन। उसको कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट को कहते हैं प्रत्यक्ष कथन। दो भाग किए गए, वो कौन कौन से? पहला है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब, और दूसरा इसका जो पार्ट है वो है रिपोर्टेड स्पीच। एक है रिपोर्टिंग वर्ब और एक है रिपोर्टेड। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच वाक्य में डायरेक्ट स्पीच होता कौन सा है हम उसको समझते हैं। जैसे कि अपने पास भी है एक एग्जांपल, जैसे कि सेड टू मी इनवर्टेड कॉमास आई वांट टू क्रिएट माय फ्यूचर। एग्जाम्पल आपको दिख रहा है इसके एग्जाम्पल में रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है और रिपोर्टेड स्पीच कौन सा है। ये संपूर्ण वाक्य जो आपको दिख रहा है इसको कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। जब हम इसको बदलते हैं, चेंजेबल करते हैं, वो हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो डायरेक्ट स्पीच को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया था? हाँ शाबाश, दो भागों में। हमारे पास में कितने भाग हैं? दो। ये रहे दो भाग, कौन से को क्या कहते हैं देख लीजिए। पहला जो भाग इसका इनवर्टेड कॉमास से बाहर वाला जिसमें सेड टू आता है, उस भाग को हम रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। तो शॉर्ट में इसको आर बी का नाम दे रहा है। और जो इनवर्टेड कॉमास के अंदर का भाग आता है, इसके अंदर अंदर वाला, इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये दोनों भाग में। तो अब तक हमने क्या सीखा? हमने देखा है कि हम पढ़ रहे नरेशन जिसको स्पीच के नाम से भी जानते हैं, स्पीच को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला जो पार्ट है इसका उसको कहते हैं डायरेक्ट स्पीच, दूसरा भाग है इसको उसको कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को भी मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, जैसे पहला पार्ट है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा पार्ट है इसका रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच वाक्य में कौन कौन से होते हैं इनका वर्णन मैंने बाकायदा आपके सामने किया है, ताकि आपकी कन्फ्यूजन हमेशा के लिए
मिट सके और आपको वही क्वेश्चन आपके दिमाग में खड़ा रह सके। और अब हम सीखते हैं इनके रूल्स। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं रूल नंबर 5। ध्यान दें, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय, यानी कि हम बदलेंगे किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में। वाक्य को किस बदलेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे। ये बनाते समय हमें क्या करना है, डायरेक्ट स्पीच बनाते समय कभी भी आर भी देखो ये रहा, आर भी के करता, आर भी के करता व कर्म में, करता व कर्म में बदलाव नहीं करते, बदलाव नहीं करते। क्या लिखा है हमने कि यदि हम इंडायरेक्ट स्पीच बना रहे हैं तो वो बनाते समय आर्मी का ये तो रहा करता और ये रहा कर्म, इनमें कभी भी कोई बदलाव नहीं होता है, अपने स्थान पर निश्चित और बिल्कुल फिक्स होते हैं। रूल नंबर सेकंड है, रूल नंबर सेकंड है अपने पास में सेट टू का नियम, सेट टू का बदलाव या परिवर्तन कैसे होगा, बदलाव कैसे होगा वो सीखते हैं। तो यहाँ पर पहला टॉपिक है सकारात्मक वाक्य होने का। सकारात्मक वाक्य कौन सा होगा, ये वाला हो या ये वाला, तो सकारात्मक वाक्य हमेशा हम यहाँ देखेंगे सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक, डब्ल्यू एच, जो भी हमें देखना हो वो इधर हमें देखना होगा। तो सकारात्मक वाक्य होने पर हमारे पास ये भरे भाग आ सकते हैं, से said, said to, says to और said। यदि इनमें से कोई सा भी आए तो हम उसको इन भागों में चेंज कर देंगे, से आता है तो से का से रह जाता है, से जाता है तो से का से रह जाता है, से आता है तो से का से रह जाता है, से said to आता है तो tail भी बदल देते हैं, और सेट टू आता है तो टेल्स में बदल देते हैं, और सेट टू आता है तो गोल्ड में बदल देते हैं। मैंने क्या बताया फ्रेंड्स, यदि हमारे पास में जो टॉपिक आ रही हैं वो टॉपिक क्लियर रूप से हमारे को समझ में भी आने चाहिए और ये पता लगना चाहिए कि हम कौन से टॉपिक को कैसे बदले रहे हैं। अब देखते हैं यदि इनके स्थान पर सेंटेंस में वाक्य जो है वो नकारात्मक आ जाए तो क्या करेंगे, वाक्य कौन सा आता है तो नकारात्मक वाक्य आता है तो हम सेट टू को निम्न भागों में चेंज कर सकते हैं। कौन कौन से में तो देखिएगा, सेट टू आने पर हम कौन कौन से भागों बदल सकते हैं, सेट टू को हम बदल सकते हैं टोल्ड में, रिफ्यूज्ड में या फॉरवर्ड में हम इसको चेंज कर सकते हैं। ये नकारात्मक वाक्य आने पर यदि यही वाक्य नकारात्मक ना आकर प्रश्नवाचक आ जाए तो क्या करना होगा, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक की पहचान कि वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होगा एवं वाक्य सहायक क्रिया से या डब्ल्यूएच वर्ड से प्रारंभ होगा। तो ये वाक्य प्रश्नवाचक है, वहां पर अपन सेट टू को एक ही शब्द में चेंज करते हैं और वो है अपने पास में आस्कर, इसमें बदलते हैं आस्कर। यदि अपने पास सेंटेंस दिया गया हो और सेंटेंस यदि अपने पास में सकारात्मक हो तो निम्न भागों में चेंज करेंगे, नकारात्मक हो तो निम्न भागों में चेंज करेंगे और प्रश्नवाचक हो तो हम निम्न भागों में चेंज करेंगे। रूल नंबर थर्ड की यदि हम बात करें तो रूल नंबर थर्ड, अब थर्ड नंबर नियम क्या है, देखो हमने आर्मी का कर्ता कर्म है इसको तो कभी बदलते नहीं है, आर्मी के सेट टू को हम चेंज कर सकते हैं इस प्रकार से। तो हमने आर्मी को कंप्लीट कर लिया तो हम पहुंच गए आरएस के समीप, अर्थात यहाँ पर पहुंच गए। ये वाला है कि इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय इनवर्टेड कॉमास
ये इन्वर्टेड कोमास होते हैं, ये वाले इन्वर्टेड कोमास को हटा देते हैं, इन्वर्टेड कोमास को हटा देते हैं। अब ये तो आपको भी पता है, जिस प्रकार से यदि हम किसी स्थान से किसी पद को हटाते हैं तो वहाँ पर दूसरा पद लगना अवश्य ही आवश्यक हो जाता है। तो इस स्थान पर हम दूसरा शब्द यूज करेंगे जिसको हम बोलेंगे कंजक्शन वर्ड, और हिंदी में बोले तो संयोजक शब्द। तो यहाँ पर अपने पास में नेक्स्ट रूल है, नियम नंबर 4, रूल नंबर 4, यदि आर वी वै आर एस को जोड़ा जाए तो निम्न शब्द लगेंगे। कौन कौन से लगेंगे देखिएगा, यदि वाक्य सकारात्मक या नकारात्मक हो, यदि वाक्य सकारात्मक या नकारात्मक हो तो वहां हम एक शब्द का प्रयोग करेंगे जोड़ने के लिए, डेट का। किसका प्रयोग करेंगे? डेट का प्रयोग करेंगे। वाक्य सकारात्मक या नकारात्मक हो तो हम किसे जोड़ेंगे? डेट से। यदि वाक्य प्रश्नवाचक हो और वाक्य सहायक क्रिया से प्रारंभ हो रहा हो, वाक्य प्रश्नवाचक और वाक्य किससे प्रारंभ हो रहा हो? सहायक क्रिया से प्रारंभ हो रहा हो तो वहाँ अपन जोड़ेंगे इप या वेदर से, या तो इप से या फिर वेदर से इस वाक्य को जोड़ दिया जाएगा। या अपने पास में वाक्य प्रश्नवाचक हो किंतु वाक्य प्रश्नवाचक कौन सा हो? डब्ल्यू एस। वाक्य प्रश्नवाचक कौन सा हो? डब्ल्यू एस, तो वहाँ पर अपन डब्ल्यू एस शब्द से ही वाक्य को जोड़ेंगे। हमने क्या सीखा फ्रेंड्स? हम सभी ने ध्यानपूर्वक यहाँ पर देखा कि हम पढ़ रहे हैं नरेशन, और नरेशन जो पढ़ रहे हैं इसको हम स्पीच के नाम से जानते हैं, जिसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया। और फिर हमारे पास में आया कि डायरेक्ट स्पीच, उसको भी हमने कितने भागों में बांटा? दो भागों में। तो दोनों भागों को हमने पॉइंट टू पॉइंट इसमें क्लियर किया है। अब हम देखते हैं इसको कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदला जाए, तो उसको हम फॉलो करने के लिए नियम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं इस एग्जाम्पल के माध्यम से। तो यहाँ पर हमने पहला ये लिखा कि आई एस बनाते समय कभी भी आर वी यानी रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता व कर्म में बदलाव नहीं करते हैं। आर्मी का ये तो करता है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नथिंग चेंज, कभी भी चेंज नहीं होगा। फिर पॉइंट अपने पास में है सेकंड रूल, स्टेट टू को बदलना, जैसे टू का बदलाव कैसे होता है इसका फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पर बताया है किस प्रकार से किसको बदलना है। और फिर अपने पास में तीसरा नियम आया है कि टाइप स्पीच बनाते समय इन्वर्टेड कोमास को हटा देते हैं, तो इन्वर्टेड कोमास की आदि को हटा देते हैं। और फिर अपने पास में पॉइंट नंबर ये रूल नंबर 4 अपने पास में है कि रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ा जाए तो निम्न शब्द सुनेंगे, अर्थात निम्न शब्द ये स्थान पर लगेंगे। तो वाक्य सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो वहाँ पर अपन डेट का प्रयोग करेंगे। यदि वाक्य प्रश्नवाचक हो और वहाँ पर वाक्य सहायक क्रिया से प्रारंभ हो रहा हो तो वहाँ पर किसी वेदर से प्रारंभ करेंगे। या वाक्य प्रश्नवाचक भी हो और डब्ल्यू एच वाला हो तो वहाँ पर अपन किससे प्रारंभ करेंगे? डब्ल्यू एच वर्ड से प्रारंभ करेंगे। स्टूडेंट्स आप चाहो तो इस पेज का या इस बोर्ड का आप क्या ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको समझने में कभी भी कोई दिक्कत ना आए। ले लीजिए स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे कि हम नेक्स्ट रूल्स को आगे फॉलो करें तो आपको कोई शिकायत या कोई दिक्कत नहीं रहे। अब देखते हैं अपन अगला पॉइंट आपके पास में रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 आप सभी ध्यान दें, हम ले रहे हैं नियम नंबर 5 कहाँ तक आ गए, हमने इसको क्लियर कर लिया, इनको हटा दिया, इनके स्थान पर जुड़ने वाला शब्द आपको बता दिया। अब हम प्रवेश करेंगे यहाँ पर जो शब्द आ रहे हैं इन शब्दों के लिए कि कौन से शब्द को किसके चेंज करते हैं। तो ध्यान दें, पहला टॉपिक है नियम नंबर 5 का, यदि आर एस का कर्ता यदि आर एस का कर्ता फर्स्ट पर्सन आई और वी हो तो
से आरवी के कर्म के अनुसार बदलेंगे, आरवी के कर्म के अनुसार बदलेंगे। क्या बताया विद्यार्थियों मेरे, यदि अपने पास आर एस का कर्ता, कि हमारे पास में आर एस का कर्ता यदि फर्स्ट पर्सन आई ओ बी हो, यदि आर एस का कर्ता फर्स्ट पर्सन आई ओ बी हो, तो हम उसे आर वी के कर्म के अनुसार बदल देते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल दें यहाँ पर समझाने से पहले यहाँ समझा दूँ थोड़ा, कि यदि अपने पास इस वाक्य में कहीं पर भी आई या आई से संबंधित कुछ हो या वी या वी से संबंधित कुछ हो, तो हम सीधे आर वी के कर्ता के अनुसार इनको बदलेंगे। तो सीधा ही इनको किसके आधार पर बदलेंगे, कर्ता के अनुसार। इसी का सेकंड टॉपिक अपने पास में है, यदि आर एस का कर्ता, यदि आर एस का कर्ता सेकंड पर्सन यू हो, सेकंड पर्सन है यू हो, तो उसे हो तो उसे आर वी के कर्म के अनुसार बदलेंगे, तो उसे आर वी के कर्म के अनुसार बदलेंगे। तो विद्यार्थियों एक बार ध्यान दो, यदि अपने पास में यहाँ पर आई हो बी हो फर्स्ट पर्सन हो, तो वो आर वी के कर्ता के अनुसार बदलेगा, और यदि यहाँ पर अपने पास में वाक्य में यू सेकंड पर्सन हो, तो वो हमेशा आर वी के कर्म के अनुसार बदलेगा। वापस ध्यान दे सकते हैं, आर एस का फर्स्ट पर्सन हो तो वो आर वी के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और आर एस का यदि सेकंड पर्सन हो यू, तो वो आर वी के कर्म के अनुसार बदलेगा। इसी का पॉइंट नंबर थर्ड है, यदि आर एस का कर्ता, यदि आर एस का कर्ता थर्ड पर्सन, यदि आर एस का कर्ता थर्ड पर्सन ही सी इट दे या नेम हो तो उन्हें नहीं बदलते हैं, उन्हें नहीं बदलते हैं। क्या बोल रहा है नियम, कि हमारे पास में से भी आपको समझ में आना चाहिए, फर्स्ट पर्सन था फर्स्ट पर चला गया, सेकंड पर्सन सेकंड पर आ गया, हमारे पास में जगह ही नहीं बची, इसलिए हम थर्ड पर्सन को किसके आधार पर बदले। तो सीधा है, यदि थर्ड पर्सन अपने पास में ही सी या नेम हो, तो हमारे को उनको नहीं बदलना होता है, और वो अपने स्थान पर जहाँ पर हैं वहीं पर यथा स्थिति में बने रहते हैं। इसको समझने के लिए हमें फॉर्मूले की आवश्यकता है, 1 2 3 इक्वल टू एस ओ एन ओब्लिक एस ओ एन इक्वल टू आर एस ओब्लिक आर। सीधा सा पॉइंट आपको समझाया जा रहा है, ध्यान देना, ये टॉपिक है, इसको शॉर्ट रूप से भी आप समझ सकते हो। यदि आर एस का कर्ता फर्स्ट पर्सन हो, तो आर वी के सब्जेक्ट यदि कर्ता के अनुसार बदलेगा, यदि आर एस का कर्ता सेकंड पर्सन हो, तो आर वी के ऑब्जेक्ट यदि कर्म के अनुसार बदलेगा, आर एस का कर्ता यदि थर्ड पर्सन हो, तो आर वी के अंदर उसमें नो चेंज अर्थात कोई बदलाव नहीं होगा। अब इनको देखने के लिए हमारे पास में आवश्यकता पड़ती है एक मुख्य सारणी की, जिसे हम प्रोनाउन इंडेक्स के नाम से जानते हैं। यहाँ मैं लिख रहा हूँ प्रोनाउन इंडेक्स, ये जो प्रोनाउन इंडेक्स है ये सबसे महत्वपूर्ण है इसमें, और इसको कम्प्लीटली सही तरीके से आपको याद करना होगा। यहाँ पर मैंने लिखा पर्सन अर्थात पुरुष है, फिर अपने पास में आया कर्ता यानी सब्जेक्ट, इसी प्रकार से कर्म, फिर संबंध, फिर है अपने पास में
संबोधन, और फिर है स्वयं। तो आप देख सकते हैं यह हमारे पास में सारणी बनेगी, जिस सारणी का उपयोग हमें महत्वपूर्ण तरीके से करना है, सही तरीके से इसका यूज भी हमें करना है। ध्यान दें हमारे पास में पर्सन, कौन से पर्सन की बात कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट पर्सन यानी प्रथम पुरुष की बात कर रहा हूँ। प्रथम पुरुष में अपने पास में करता है आई और बी, करता कितने हुए दो। फिर मेरी बात की सेकंड पर्सन, तो अपने पास में सेकंड पर्सन में करता कितना है केवल एक यू। फिर अपने पास में पॉइंट आया थर्ड पर्सन, इन थर्ड पर्सन यानी उत्तम पुरुष, तो इसमें अपने पास में करता कितने हैं क्या ही सी इते और दे, ये अपने पास में करता है। अब अपन इनके सभी रूपों का वर्णन करेंगे। इसका कर्म रूप है मी, यू बी का कर्म रूप ऐसे, यू का कर्म रूप यू, ही का कर्म रूप ही मैं, सी का कर्म रूप हरे, इट का कर्म रूप इते और दे का कर्म रूप दे, ये इनके कर्म रूप हैं। फिर इनके संबंध के बारे में बात करें, इसको कहते हैं माई, ई का आवय, यू का योवर, ई का हिजे, सी का हरे, ई का इते, एस हो गए इससे पोजिशन आ जाएगा और दे का देयर। अब इसके संबोधन के बारे में बात करें कि स्वयं अपना बोध करना हो तो जैसे आई का माइन, आवर का आवर से, योवर का योवर से, इसका हिजे, हर का हर से, इट का इट से, देयर का देयर। अब ध्यान दें जस्टिस के आगे अपने पास पॉइंट है, तो आई का माई सेल्फ। अब ध्यान दें एक वचन हो तो अपन लगा देंगे सेल्फ, और बहुवचन हो तो वहां पर हमें सेल्फ वेज का प्रयोग करना होगा। जैसे कि आपको पता है कि एफ ई एफ या एफ ही किसी संज्ञा शब्द के अंत में आ जाए तो उसका बहुवचन यदि हमें बनाना होता है तो हम एफ ई एफ या एफ ही को हटा कर भी ई एस में बदल देते हैं। जैसे कि एग्जांपल आप देखेंगे ओ यू आर एस ई एल, यहाँ तक तो है, लेकिन एफ को यहाँ से हटाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा बी ई एस, तो हमारे पास बन गया ओवर सेल्विंग, क्योंकि बी बहुवचन है तो बहुवचन के आधार पर हमने इसको चेंज कर दिया। एक वचन भी है और बहुवचन भी है, इसलिए हम इसको योर सेल्फ के रूप में ही रखते हैं। ई का हिम सेल्फ, सी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ। अब देखो देख प्लूरल यानी बहुवचन आया, इसलिए हमें इस सेल्फ को सेल्फ में बदलना होगा, तो यहाँ हो जाएगा देम सेल्फ। ये है आपकी प्रोनाउन इंडेक्स। तो स्टूडेंट्स आप सभी ने देखा प्रोनाउन इंडेक्स तक के इस नियम को, इस नियम में अपने को एक जानकारी और लेनी है कि प्रोनाउन इंडेक्स हमेशा अपने ही क्रम में या अपनी ही पंक्ति में चलती है, या तो ये पंक्ति या तो ये अपने सीधी नीचे चलेगी या फिर सीधी अपनी तरफ बाएं या दाएं चलेगी, लेकिन ये हमेशा क्रॉस वर्टिकल के रूप में इधर से इधर या इधर से इधर नहीं चल सकती। इस बात का मुख्य रूप से ध्यान रखें, क्रॉस वर्टिकल में यह सारणी नहीं चलेगी, यह हमेशा अपनी ही पंक्ति में चलेगी। इस पंक्ति का मुख्य रूप से ध्यान रखें। तो विद्यार्थियों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए भी, और आपकी जो रुचि है पढ़ने की, इस रुचि को देखकर हमें पढ़ाने की रुचि है वह भी बढ़ जाती है। तो आप सभी इस वीडियो को सही तरीके से स्क्रीनशॉट लेकर इससे सारणी को कंप्लीट कर लें, क्योंकि विदाउट इंडेक्स के कभी भी ये इंडेक्स पेज कंप्लीट नहीं किया जा सकेगा। अगले वीडियो में हम देखेंगे इसके टेंस परिवर्तन और अन्य कुछ टाइम इंडेक्स समय सारणी आदि के बारे में। तो विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही काफ़ी, धन्यवाद।